हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है नीट यूजी 2023 स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2023 का फॉर्म जिनने फिल किया था और एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो गाइज आप लोगों का जो इंतज़ार था वो समाप्त हुआ। नीट यूजी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइज नीट यूजी 2023 से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम रिजल्ट कट ऑफ काउंसलिंग, लास्ट राउंड रहेगा काउंसलिंग का, तब तक की आपकी अपडेट आपको दी जाएगी टाइम टू टाइम। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टेट की, हर राउंड की, हर कैटेगरी की कट ऑफ आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है तो आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2023 के स्टूडेंट्स बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे नीट यूजी के एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड और जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि एग्जाम 7th मई को कंडक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन जो नीट का एग्जाम है वो NTA 2023 में NTA ही कंडक्ट करवाने वाली है। ये फाइनल रिस्पॉन्स आ चुका है NTA का कि 7 मई को ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब बात आती है एडमिट कार्ड की। गाइस जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो ओनली एंड ओनली आपके 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले, 3 या 4 तारीख को आपका रिलीज किया जाएगा, उससे पहले रिलीज नहीं होने वाला है। अब बात आती है सिटी इंटीमेशन की, मतलब जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा वो। तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपका गाइस जारी होने वाला है अभी आपका आज या कल में। आज आपका डेट दी गई है कि आज आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कल संडे हो जाएगा। अगर कल आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है तो फिर मंडे को ही आपका जारी होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आज 3 बजे तक आपके एडमिट कार्ड, मतलब जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा सिटी इंटीमेशन, वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, अच्छे से लग जाइएगा, क्योंकि एग्जाम जो है 7 मई को ही आपका कंडक्ट होने वाला है। उसके अलावा कोई और डेट नहीं है, ना एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया, ट्विटर और मोदी जी के पास एप्लीकेशन वगैरह डाली थी कि एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, 1 महीने और डिले किया जाए ताकि उनको टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने का। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। NMC ने भी अपना जो रूल है वो चेंज किया था और जो प्रस्ताव है उनने अपना रखा है, लेकिन अभी उनको मंजूरी नहीं मिली है। और प्रस्ताव के अंदर मेन उनकी जो बात है वो ये है कि नीट का जो एग्जाम है NTA कंडक्ट ना करवाकर किसी और एजेंसी को ये अथॉरिटी दी जाएगी। लेकिन गाइस अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 2023 का जो एग्जाम होगा वो NTA ही कंडक्ट करवाएगी और अब तक भी NTA ही कंडक्ट करवाती आई है। आगे जो है अगर NMC का प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसी और एजेंसी के थ्रू कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन 2023 का NTA ही कंडक्ट करवाएगी। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर भी अगर इन सब चीज़ों को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।